हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग रियली रियली इम्पॉर्टेंट. ये प्रॉब्लम जो है ये अब सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों का भी बन चुका है एंड दिस इज स्किन केयर. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनमें बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस आ रही है कि उनको अपनी स्किन को ठीक रखना होगा, उनको अपनी स्किन की केयर करनी होगी एंड दे शुड हैव अ फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन. बट ये सब मिलेगी कहाँ से? ये स्किन फ्लॉलेस होगी कैसे? तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं आज आंसर करने वाली हूँ बिकॉज मैंने खुद स्किन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. प्यूबर्टी एज से लेके अभी तक मैंने स्किन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एंड इफ़ यू डोंट नो तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हुआ करती थी एक टाइम पे एंड उस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट करती थी. मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स आते थे. अगर मैं आपको पहले की पिक्चर्स दिखाऊँ यू विल नॉट बिलीव दैट दिस वॉज माई स्किन. सो दीज आर द पिक्चर्स. देखें बिफोर मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ख़राब थी. फोरहेड से लेके चिन तक मेरी स्किन पूरी की पूरी एक्नी से भर चुकी हुई थी एंड यस, इस दौरान मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा टोटके करती होती थी. शी यूज़ टू यू नो कोई पत्ते तोड़ तोड़ के उसको कचुम्बर बना के मुझे पिलाया करती थी. एक चीज़ होती है साफ़ी या पता नहीं क्या, वो भी मैंने पिया हुआ है एंड ये सब इतनी कड़वी कड़वी चीज़ें पीने के बावजूद मेरी स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मेरी स्किन इसी तरह ब्रेकआउट करती थी एंड थ्रू ऑल दिस टाइम मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड किया, मैंने अपनी स्किन को अंडरस्टैंड किया एंड मैंने अंडरस्टैंड किया क्योंकि मेरी स्किन को ट्रिगर क्या करता है. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ आई क्लियर आउट माई स्किन. तो एक चीज़ तो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने एक चीज़ माइंड में रखी थी कि मेरी स्किन 1 month में एक दफ़ा लाजमी ट्रिगर करती है एंड आई हैव मेड माई पीस विद दैट. क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन है. कभी आपके जेनेटिक्स भी इस तरह के हो सकते हैं एंड कभी कभी आपके हॉर्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं. अब वो बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स एंड जीन्स ब्ला 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 ये सब मेरी समझ से ऑनेस्टली बाहर. मैंने जो है ना अपनी स्किन को किस तरह क्लियर आउट करने के बनाए हुए हैं 6 points एंड अभी मैं उन 6 points को गो थ्रू करूंगी एंड आई विल एक्सप्लेन कि किस तरह इन 6 points की हेल्प से मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर किया. सो पॉइंट नंबर 1 इज ईटिंग हेल्दी. जब आप लोग अच्छा नहीं खा रहे होते तो आपकी स्किन भी अच्छी नहीं होती. व्हाट यू ईट कम्स ऑन योर फेस एंड दैट इज ऑन पॉइंट. सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर स्किन. आप लोगों को अपनी स्किन को स्टडी करना है जिस तरह मैंने स्टडी किया. देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि मुझे पता है कि अगर मैं खाऊंगी तो मेरी स्किन पे एक्ने आएगी, विच आर कॉफी माई फर्स्ट लव एंड ड्राई फ्रूट्स. मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं बट इन दोनों की वजह से मेरी स्किन हमेशा ब्रेकआउट करती है. अगर मैं आज कॉफ़ी रात को पीऊँगी तो कल सुबह मेरी स्किन पे ना 1-2 जगह पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे. इस हद तक ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं. देसी वे में बात करें तो इनकी तासीर ज़रा गर्म होती है जो आपकी स्किन पे लाजमी आती है. तो हेल्दी ईटिंग में आता क्या है? ऑब्वियसली फ्रूट्स. अगर आप पूरी की पूरी यू नो ट्रे रखेंगे मेरे आगे ना, मैं वो भी खा लूंगी बिकॉज मुझे इस हद तक फ्रूट्स पसंद है. तो आप अपनी स्नैक्स को ना बहुत अच्छी तरह फ्रूट्स के साथ आप लोग चेंज कर सकते हैं. दैट कैन हेल्प यू टू हैव हेल्दियर स्नैक्स. एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी इज टू हैव योर वाटर इनटेक. आई नो मैं भी कुछ टाइम तक इस चीज़ को बिलीव नहीं करती थी कि पानी वाकई में आपकी स्किन पे रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता. बट अगर आप लोग मैक्सिमम 12 या मिनिमम 8 glasses ऑफ वाटर नहीं पीते थ्रू आउट द डे तो आपकी स्किन बहुत ड्राइड एंड पैची हो जाएगी. इफ़ यू वॉन्ट कि आपकी स्किन यू नो विदाउट एनी प्रोडक्ट्स बड़ी मॉइस्चराइज रहे एंड बहुत ग्लोई रहे तो आपको तो पानी पीना पड़ेगा ना. पानी पिए बगैर तो नहीं हो सकता. पॉइंट नंबर 2, विटामिंस. अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट को इसीलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज ये मैंने अपना आजमाया हुआ पॉइंट है. कोविड के दौरान देयर वाज दिस रूमर कि अगर आप में विटामिन्स की डिफिशियंसी है तो आपको कोविड लाजमी डायग्नोज होगा. तो हम लोगों ने सर्विक जी का इंटेक बहुत ज्यादा शुरू कर दिया. विटामिन्स बाहर से आए या पाकिस्तान का अपना लोकल हो दैट डजंट मैटर. विटामिन्स पाकिस्तान में भी उतने ही अच्छे बनते हैं जिस तरह बाहर बनते हैं. मैंने सर्विक जी बहुत ज्यादा इनटेक की थी जिसकी वजह से मेरी स्किन, मेरे बाल एंड मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए. विटामिन्स का इंटेक आप लोगों ने लाजमी रखना है. इवन अगर आप फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, आपको फ्रूट्स नहीं पसंद, तो आपने विटामिन्स लाजमी लेनी है बिकॉज आपके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी जो इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स आपकी स्किन पे ट्रिगर करेगी. पॉइंट नंबर 3 विच इज़ विटामिन सी सीरम.
पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये हवा फैली है ऑफ ऑर्गेनिक ट्रेवलर का विटामिन सी सीरम, ने बहुत ज्यादा हेल्प किया टू अ लॉट ऑफ पीपल टू इम्प्रूव देयर स्किन्स एंड मुझे भी हेल्प किया. बाय द वे आई वांट टू ऐड कि मैंने विटामिन सी सीरम एक तो लोकल भी यूज किया हुआ है एंड ब्रांडेड भी यूज किया. ऑलराइट, सो आई हैव टू सम अप एवरीथिंग रियली क्विकली, इससे पहले मेरा फोन दोबारा से बंद हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है एंड इसकी जो है ना फ्लैश बार बार ऑफ हो जाती है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट विटामिन सी सीरम, मैंने ब्रांडेड एंड लोकल दोनों इस्तेमाल किया एंड दोनों वर्क कम्प्लीटली फाइन. जो मैंने ब्रांडेड इस्तेमाल किया था ये समावी को पी आर पैकेज में मिला था एंड उससे ना मेरी स्किन इतनी ज्यादा क्लियर हो गई थी. अगर मैं किसी एक पिम्पल पर लगाती थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो पिम्पल बहुत ज्यादा सेटल डाउन हो जाता था. एंड अगर आप लोग ब्रांडेड चीजें नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको नहीं मिल सकते, तो विटामिन सी सीरम फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैवलर वर्क्स जस्ट एज फाइन एंड इट वर्क वंडर्स. अगर आप एक महीना लगातार उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको एंड यू विल फील कि हाउ क्लियर योर स्किन हैज गॉन फ्रॉम योर पिंपली स्किन टू योर क्लियर स्किन. पॉइंट नंबर 4, व्हिच इज अ ब्लेमिश रिमूवर. ब्लेमिश रिमूवर इज नॉट वेरी कॉमन इधर पाकिस्तान में, या तो होगा मैंने नहीं देखा या तो है ही नहीं. नाउ ये अगेन समाविया को पी आर पैकेज में मिला था एंड आई रियली डोंट नो कि इस ब्रांड का नाम क्या. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसने व्हाट दिस प्रोडक्ट डिड वाज इसने जो मेरे स्किन के ऊपर सारे स्पॉट्स थे उनको क्लियर किया, क्योंकि मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा स्पॉट्स हो चुके थे. आई लाइक एवरी अदर गर्ल, अगर आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई पिम्पल निकलता तो मैं उसको ऐसे ऐसे छीलने बैठ जाती थी. आई नो कि इसे निशान पड़ते थे बट क्या करें, आपके हाथ कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते, तो मैं इस तरह ना उनको निकाल देती थी जिसकी वजह से निशान बनना स्टार्ट हो गए थे. तो इस ब्लेमिश रिमूवर की हेल्प से मैंने ये सारे निशान जो है ना ऐसे खत्म किया एंड जो बॉटल है वो आधी इसीलिए हुई भी बिकॉज मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया. सो इफ़ यू कैन फाइंड अ गुड ब्लेमिश रिमूवर, ग्रैब योर हैंड्स ऑन दैट because that will help you girl, that will. तो गाइज, अगर आप लोगों ने इस अमेजिंग प्रोडक्ट को ख़रीदना है तो यू हैव टू गो ऑन विश ट्रेंड्स पेज एंड वहाँ पे आप लोगों ने इस ब्लेमिश रिमूवर को अपने कार्ट में डालना है एंड फॉर 10% ऑफ जस्ट टाइप द ब्लॉक कचोर इन अपर केस, मतलब कैपिटल वर्ड्स में आपने लिखना है टू गेट 10% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट टॉक अबाउट सनब्लॉक. सनब्लॉक ना आपको बहुत ज़्यादा क्रूशल है, लाइक बहुत 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 ज़्यादा. आई रिमेंबर कि मुझे मेरी एक कज़न ने बताया था कि सनब्लॉक इतना ज़्यादा क्रूशल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी लगाना चाहिए. एज अ टीनएजर आई डिडंट नो कि मैं भी सनब्लॉक यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं, बट नाउ आई केम टू नो कि सनब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कभी कभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, मेरी नेक एंड फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जब मेरा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. वन आई गो आउट, जब मेरी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आई हैव 2-3 ऑप्शन फॉर सनब्लॉक्स. अच्छा, पी एस, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो ओवर हेयर बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि जो मैंने प्रोडक्ट्स के आपको रेफरेंसेज दिए हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट बाई योर सेल्फ. गो एंड टाइप ऑन इंस्टाग्राम एट द ब्लॉक कचोर, ये मेरी बहन का पेज है and she receives all these PR packages of skincare from outside brands जो जिनमें कोरिया भी शामिल है, क्योंकि कोरिया की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं दे आर अमेजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. वो हर प्रोडक्ट के ऊपर अपना रिव्यू देती है एंड ये रिव्यूज उसके टेस्टेड होते हैं पर्सनली. वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है एंड वो अपना रिव्यू देती है. सो अगर आपको किसी प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही, यू कैन गो एंड चेक आउट एनी ऑफ हर वीडियोज जो उसने इन प्रोडक्ट्स की पोस्ट की हुई है एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाउ दिस प्रोडक्ट्स कम आउट एंड इनका रिजल्ट क्या है. एक ये ऑप्शन है जो आपको नजर आ रहा है, ये हेमिश का एक प्रोडक्ट है. ये अगेन समावी को पीआर पैकेज में मिला था एंड दिस इज जस्ट द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट. ये थोड़ा सा टिंटेड भी है एंड मेरी स्किन के लिए बिल्कुल ही स्मूथ है, ऐसे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ स्किन पे लगाया हुआ है. देन कम्स दिस प्रोडक्ट, ये मामा लाई थी फ्रॉम यूएई दिस टाइम एंड इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया बट आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू यूज इट एंड लेट्स सी कि ये किस तरह आता है फेस. बट अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है, देन ऑर्गेनिक ट्रैवलर का मैंने दोनों सनब्लॉक्स यूज किए, विच इज टिंटेड एंड विच इज एंड द वन विच इज नॉट टिंटेड. बोथ वर्क एक्सट्रीमली अमेजिंग एंड पाकिस्तान में द कॉम्बिनेशन ऑफ योर सनब्लॉक एंड विटामिन सी सिरप इज अ न्यू हाइप. आपको ये दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे एंड आपको ये रोज इस्तेमाल करने पड़ेंगे. नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 6, विच इज चेंजिंग योर फेस वॉश. अगर आपको लगता है कि आपको एक फेस वॉश 2 weeks तक नहीं चेंज दिख रहा आपको, या 1 month तक चेंज नहीं दिख रहा, चेंज इट, चेंज द प्रोडक्ट. मैं अभी तक एक परफेक्ट फेस वॉश नहीं यूज कर पाई कि अब मैं एक सिंपल सोप पे आ गई हूँ. आई जस्ट यूज अ सिंपल सोप. क्यों मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदूँ जब मुझ पर वो काम ही नहीं कर रहे.
तो आप कोई सा भी एक अच्छा या मेडिकेटेड सोप यूज़ करें अलॉन्ग विद योर ब्लेमिश रिमूवर एंड योर विटामिन सी सीरम, इट विल वर्क मोर देन इनफ। अब मैं आप लोगों के साथ एक एड ऑन करना चाहूँगी देसी टोटका। ये टोटका मुझे किसी ने बताया था, मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया लेकिन मनाहिल ने ट्राई किया था, विच वॉज बेसन, रियली बेसन। हमारी एक बाजी ने मुझे बोला था कि आपने इतना सा बॉक्स ले बॉटल ले लेनी है एंड उसके अंदर आपने डाल लेना है बेसन, उस बॉटल को आपने वॉशरूम में रखना है एंड व्हेनेवर यू वांट टू वॉश योर फेस बेसन थोड़ा सा डाला, पानी डाल के पेस्ट बनाया एंड उससे फेस वॉश किया। ट्रस्ट मी इट वर्क फॉर मनाहिल, ट्रस्ट मी। मेरी एक्ने क्योंकि बहुत ज़्यादा थी इसीलिए हैड टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, बट मनाहिल की स्किन इज़ फ्लॉलेस, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी बिकॉज आई ट्राई टू कवर एवरी थिंग दैट आई न्यू ताकि आप लोग भी अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकें एंड इस तरह की बना सकें कि आपको मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।